हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और आज हम डिस्कस करेंगे इटरेबल्स और इटरेटर्स के बारे में। इटरेबल्स और इटरेटर्स से पहले हम ये देखेंगे कंटेनर्स क्या होते हैं। कंटेनर्स एक ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर की जा सकती है। जैसे एक कंटेनर का एग्जाम्पल है आपका स्ट्रिंग, एस इज इक्वल टू विकास, जैसे मैंने लिख दिया। सो ये एक ऐसी, ये जो स्ट्रिंग है कंटेनर है। ये किस तरह का कंटेनर है? ये ऐसा कंटेनर है जो करेक्टर्स को रखता है अपने पास। स्ट्रिंग क्या होती है? सेट ऑफ करेक्टर्स ही तो होती है। तो वी एक करेक्टर है, आई एक करेक्टर है, के एक करेक्टर है, ए एक करेक्टर है, एस एक करेक्टर है और एच एक करेक्टर है। तो ये जितने भी करेक्टर्स हैं इनका जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज स्ट्रिंग। सो इसी तरीके से और भी बहुत से कंटेनर्स होते हैं जो अपने पास इंफॉर्मेशन को रखते हैं, राइट? दे कलेक्ट द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू सम ऑब्जेक्ट, सम स्पेशल काइंड ऑफ एंटिटी। जस्ट लाइक यहाँ पे आपका करेक्टर एक एंटिटी है। इसके लिए ये सारी सारे के सारे करेक्टर्स को अपने पास रखता है एक स्ट्रिंग, राइट? सो ये होते हैं कंटेनर्स। कंटेनर्स अगर कोई कंटेनर है हमारे पास तो उसको हम इटरेबल तब कहते हैं जब वो कंटेनर एक बार में एक एक करके एलिमेंट्स को रिटर्न कर सके। जैसे अगर ये स्ट्रिंग है और एक बार में ये वी, फिर उसके बाद आई, फिर उसके बाद ये के, इस तरीके से वन बाय वन अगर एक एक करके हर एक इटरेशन में या एक एक करके किसी भी स्टेप में, कोई भी स्टेप या कोई भी फंक्शन ऐसा ये इसके पास हो जो कि एक बार में एक एलिमेंट रिटर्न कर सके पूरे के पूरे कंटेनर में से, और अगली बार में वो अगला एलिमेंट रिटर्न करे उसी कंटेनर का। यानी एक एक बार में एक एक एलिमेंट रिटर्न करे लेकिन हर बार में अगला एलिमेंट रिटर्न करे। पहली बार में वी रिटर्न कर दिया, अगली बार जब आपने उस मेथड को कॉल किया तो आई रिटर्न कर दिया, अगली बार आपने कॉल किया तो के रिटर्न कर दिया, अगली बार आपने कॉल किया तो ए रिटर्न कर दिया, ऐसे करके। सो अगर कोई क्लास ऐसी है जो कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर करती है तो उस क्लास को हम कंटेनर कहते हैं। और अगर वो इस तरीके से वन बाय वन एलिमेंट्स को रिटर्न कर सकती है कि हर बार एक अगला एलिमेंट हमको उस कंटेनर से मिले, तो इस तरह के कंटेनर को हम क्या कहते हैं? इटरेबल कहते हैं। और वो फंक्शन, वो मेथड्स जो कि वन बाय वन एलिमेंट्स को एक्सेस करने की हमें परमिशन देते हैं, परमिशन कह लें या एक्सेस करने की फैसिलिटी देते हैं, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, उन फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इटरेटर्स कहते हैं। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। जैसे अगर हम फॉर लूप चलाएं, फॉर सी इन एस एंड इफ आई प्रिंट एवरीथिंग लाइक सी, तो हर एक करेक्टर इसमें ए वन बाई वन हर एक बार में प्रिंट होगा। सो यू कैन सी यहां पर हर एक बार में आपका ये प्रिंट होता दिखेगा। देखिए वी आई के ए एस एच हर लाइन पे एक नया करेक्टर प्रिंट हुआ है। तो वन बाई वन जब हम फॉर लूप चलाते हैं तो वन बाई वन एक एक करेक्टर प्रिंट हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि फॉर लूप जब हम चलाते हैं तो, और इस फॉर सी, सी मीन्स एक करेक्टर हमने प्लेस होल्डर वैल्यू ले ली है, और कहाँ से वो वैल्यू आएगी एक एक करके? वो आएगी एस से। सोर्स हमारा ये है, सोर्स में से वन बाई वन हमें एक एक वैल्यू लेनी है और हर बार उसे प्रिंट करना है। तो इसको हम कहते हैं इटरेशन। और ये जिस जिसके थ्रू होता है, जिस मेथड के थ्रू होता है, उसे कहते हैं इटरेटर। सो स्ट्रिंग जो क्लास होती है, जो यस है ना, ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग जो क्लास होती है, या फिर एक क्लास और होती है लिस्ट। लिस्ट वगैरह के बारे में आपने अगर पढ़ा नहीं होगा तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, बट स्टिल आपने अगर पाइथन को पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि लिस्ट वगैरह क्या होती है। सो उस लिस्ट के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो लिस्ट भी एक इटरेटर ही होती है, एक इटरेबल ऑब्जेक्ट होती है, और उसके अंदर भी एक इटरेटर होता है। वो इटरेटर फंक्शन का जो नाम होता है ना, वो होता है डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट। ये नेक्स्ट मेथड आपको कॉल नहीं करना होता। जब भी आप फॉर लूप चलाते हैं तो वन बाय वन इसको नेक्स्ट मेथड के थ्रू एक एक एलिमेंट मिल रहा होता है। जैसे यही नेक्स्ट मेथड है जो वी रिटर्न करता है, यही नेक्स्ट मेथड है जो आई रिटर्न करता है, यही नेक्स्ट मेथड है जो के रिटर्न करता है, ऐसे करके वन बाय वन ये एक एक करके एक एक करेक्टर को रिटर्न करता है। सो इस तरीके से ये जो क्लासेस होती हैं, जैसे ये एस नाम, ये जो स्ट्रिंग नाम की क्लास है जिसका ऑब्जेक्ट आपने बनाया है, इस एस नाम की क्लास जो कि स्ट्रिंग है, उस स्ट्रिंग के अंदर एक मेथड होता है नेक्स्ट। ये आपको वन बाय वन इटरेट कराना सुनिश्चित करता है। इंश्योर्स कि हर बार आपको एक नया एलिमेंट, अगला एलिमेंट मिले, राइट? और इसके अंदर एक मेथड और होता है जिसका नाम होता है ITER, वो भी डबल अंडरस्कोर ITER डबल अंडरस्कोर इस नाम से होता है। इस मेथड के थ्रू सबसे पहले ये इटरेटर फाइंड आउट करता है। जब भी आप फॉर लूप चलाते हैं सबसे पहले ये इटरेटर फाइंड आउट करता है कि इटरेटर का ऑब्जेक्ट ले लेता है अपने पास। उस इटरेटर का ऑब्जेक्ट मिलने के बाद जब ये नेक्स्ट 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 करता जाता है, देन आपको वन बाई वन ये सारे एलिमेंट्स मिलते जाते हैं। सो फॉर लूप चलाने पर जैसे आपको वी आई के ए एस एच मिला है, उसी तरीके से रेदर देन हम फॉर लूप चलाएं, हम यहाँ पर इटरेटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आई लिया, आई इज इक्वल टू हमने क्या किया, एस डॉट डबल अंडर स्कोर ITER, ठीक है, ये हमने ले लिया, ठीक है, ये हमने ले लिया यहाँ पे। अब इसके बाद हमने क्या किया, प्रिंट किया आई डॉट
डबल अंडरस्कोर नेक्स्ट, ठीक है। जैसे ही हमने नेक्स्ट को प्रिंट किया, ये पहला एलिमेंट प्रिंट करेगा जो कि वी है। सो इसको हम चला के देखते हैं। सो यहां पर आप देख सकते हैं वी आया। वी के बाद अगर हम फिर से नेक्स्ट जाएं, आई डॉट डबल अंडर स्कोर नेक्स्ट, फिर से अगर हम नेक्स्ट पे आए तो इसके बाद अगर हम इसे रन कराते हैं, देन इट अगेन कम्स लाइक आई, ठीक है। अब हम इसे कराते जाते हैं, अब इसे हम लिखते जाते हैं, सारे करेक्टर्स प्रिंट कराते हैं, 4, 2, 6, और इसके बाद हम फिर एक नया और लिखते हैं, एक नई लाइन और लिखते हैं, और इसको हम डिलीट कर देते हैं आखिरी लाइन को, ठीक है। हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6 करेक्टर हैं। सातवां करेक्टर पे क्या होगा, अगर हम नेक्स्ट करने जाएं सातवें पे तो क्या होगा, जब हमारा पूरा स्ट्रिंग कंप्लीट हो चुका है तब क्या होगा, लेट अस सी दैट। तो आप यहां पर देख सकते हैं वी आई के ए एस एच, वहां तक आने के बाद इसने एक एक्सेप्शन थ्रो किया जिसका नाम है स्टॉप इटरेशन। एक्सेप्शंस के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। एक्सेप्शंस रन टाइम बग्स होती हैं। रन टाइम पे कोई प्रॉब्लम जब आती है तो उसको हम एक्सेप्शन कहते हैं, और कंपाइल टाइम पे कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कंपाइलर एरर कहते हैं। अगर कंपाइल टाइम पे कोई बग आती है कि आपका ये, तो वो बग आपके सिंटैक्स से रिलेटेड होती है, तो वो बग आप सही करते हैं और आपका प्रोग्राम सही चल जाता है। सो ये जो चीज़ होती है अगर आपकी रन टाइम पे आती है कोई प्रॉब्लम, जैसे कि यहाँ पर हम पार कर गए, लिमिट ही पार कर गए, एच के आगे भी खोज रहे हैं जो कि एच के आगे कुछ नहीं है, तो वहां पर ये क्या करता है, इट स्टॉप इटरेशन, एक्सेप्शन थ्रो कर देता है, और इस एक्सेप्शन से पता चल जाता है कि इसके आगे अब कुछ नहीं है, ठीक है। सो इस तरीके से हम एक्सेप्शंस के थ्रू इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू। बट अभी आपको याद रखना पड़ेगा कि किस तरीके से, हमारा पर्पस अभी इनको समझने का है, एक्सेप्शन को समझने का नहीं है, किस तरीके से इटरेट करता है इसको समझने का है। तो ये है, ये जो हमारा ITER है, ये इटरेटर का जो ऑब्जेक्ट है ये रिटर्न करता है, और ये नेक्स्ट जो है ये इटरेटर की तरह बिहेव करता है, इटरेटर इटरेटर फंक्शन की तरह बिहेव करता है, जो एक बार में एक एलिमेंट आपके कंटेनर से रिटर्न करता है, उस कंटेनर से जो कि इटरेबल है। और कौन सा कंटेनर इटरेबल होता है, जिसके अंदर ये दो मेथड्स ITER और नेक्स्ट, ये दो मेथड्स डिफाइन होते हैं। आई रिपीट, किस कंटेनर को आप इटरेबल कहोगे, दिस कैन बी आस्ड इन एनी ऑफ द इंटरव्यू क्वेश्चंस। अगर कोई पूछता है कि कौन सा कंटेनर इटरेबल कहा जाता है, तो आप ये कहोगे कि हर वो कंटेनर जिसके अंदर नेक्स्ट मेथड और ITER मेथड, ये दो मेथड्स इंप्लीमेंटेड हो, दैट इज नोन एज द इटरेबल कंटेनर, ठीक है। और इस मेथड को हम इटरेटर कहते हैं। इसी के साथ आपका आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा इटरेबल्स का और इटरेटर्स का। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस तरीके से आप अपनी एक कोई क्लास लिखते हैं, और उसके लिए अगर आप कोई इटरेटर बनाना चाहते हैं, अगर अपनी कंटेनर को आप खुद इटरेबल बनाना चाहते हैं, तो कैसे बना सकते हैं और कैसे कोई इसको इटरेट कर सकता है थ्रू द फॉर लूप। अगर आपने नेक्स्ट और ITER ये दो मेथड्स डिफाइन कर दिए हैं, तो आप फॉर लूप के थ्रू अपने इटरेटर ऑब्जेक्ट को, अपने कंटेनर को इटरेट कर सकते हैं। सो दिस इज रियली इंटरेस्टिंग। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा किस तरीके से आप अपनी क्लासेस लिख सकते हैं जो कि इटरेबल बनाई जा सकती हैं। ये आप अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय। और प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए। और इसी के साथ आप सबसे मैं विदा लेता हूँ। हैव अ नाइस डे एंड बाय बाय।